यूनिट डाटाबेस मैनेजमेंट में सेशन नंबर 4 क्रिएट ए डाटाबेस सेशन को स्टडी करने वाले हैं। इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए मैं डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो होते हैं उनमें से किसी एक को ओपन कर लेता हूँ, और जो एप्लीकेशन मैं ओपन करने वाला हूँ उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को सर्च कर लेते हैं। मेरे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2010 वर्जन इंस्टॉल है, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हमें डाटाबेस को क्रिएट करना है। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए जो एप्लीकेशन है उसकी विंडो ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर हम बारी बारी से सभी ऑप्शन को समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ टैब्स होते हैं, होम टैब, क्रिएट टैब, ठीक है, एक्सटर्नल डाटा, इस तरह काफ़ी सारे टैब आपको यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर नया डाटाबेस क्रिएट करना है, तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे, और फाइल पर हमें यहाँ पर जो ऑप्शन हो रहे हैं अवेलेबल टेम्पलेट, इनमें से किसी भी को यूज करके डाटाबेस को क्रिएट कर लेना है। जैसे अगर आपको ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करना है तो ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ब्लैंक वेब डाटाबेस यूज करना चाहते हैं, मतलब इंटरनेट के लिए डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो वेब डाटाबेस को यूज़ करेंगे। और रिसेंट टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं, जो सबसे लास्ट में टेम्पलेट यूज की गई थी, तो उसका यूज भी कर सकते हैं आप। सैम्पल टेम्पलेट देख सकते हैं, अपनी खुद की टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन किसी टेम्पलेट को या किसी ऑब्जेक्ट को लेना चाहते हैं डाटाबेस में, तो उसको ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ब्लैंक डाटाबेस को सिलेक्ट करूँगा, तो ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करना है आपको, और देन आपको यहाँ पर जो भी आप ब्लैंक डाटाबेस सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय फर्स्ट डाटाबेस, इस तरह से, और देन आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो भी डाटाबेस आपने क्रिएट किया है उसकी लोकेशन शो होगी कि आपका डाटाबेस डाटाबेस कहाँ पर शो हो रहा है, मतलब सेव हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। आप चाहें तो इस लोकेशन को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। जैसे अभी मैं इस लोकेशन को चेंज कर देता हूँ, और मुझे ये डाटाबेस डेस्कटॉप पर सेव करना है, डेस्कटॉप पर एक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लोकेशन आ गई है वो डेस्कटॉप आ गई है, और अभी जो डाटाबेस है जो हमने क्रिएट किया है ये हमारा डेस्कटॉप पर सेव होगा। और हम क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं अभी, तो हमारा एक डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। इस डाटाबेस में अभी कोई भी टेबल पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुई है, मतलब टेबल तो बन चुकी है बट उसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं है। फील्ड जो क्रिएट करेंगे वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम केवल और केवल इस सेशन में डाटाबेस को क्रिएट करना सीखने वाले हैं, और बाकी इसमें कुछ भी हम स्टडी नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं किस तरह से हमें डाटाबेस को क्रिएट करना है। आपको फाइल पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखिए ये आपको उस डाटाबेस मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर इस फाइल मेन्यू में न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ब्लैंक या वेब जैसे भी आप चाहें वैसा हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने ब्लैंक वाला क्रिएट किया था, अभी यहाँ पर ये वेब डाटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको नाम दे देंगे वेब डाटाबेस, इस नाम से मैं सेव कर देता हूँ इसको, और क्रिएट डाटाबेस। तो इस तरह से हमारा ये वेब वाला डाटाबेस क्रिएट हो चुका है, और ये टेबल वेब पर यूज की जा सकती है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसी तरह से और भी यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे न्यू में जाएंगे और यहाँ पर टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे सेलेक्ट टेम्पलेट जाते हैं सैम्पल टेम्पलेट पर, तो जैसे सैम्पल टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट वेब डाटाबेस, तो इस वाले क्रिएट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं इसको माय कॉन्टैक्ट, और क्रिएट कर देंगे। तो हमारा ये वाला टैबलेट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए ये हो गया हमारा नया डाटाबेस क्रिएट विद टैबलेट। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी जिनमें आप किसी भी डाटा के इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट सेशन है हम वो अगली क्लास में स्टडी करेंगे।